हाईकोर्ट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की पालना नहीं होने पर राज्य सरकार और खाद्य नागरिक आपूर्ति के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। दरअसल प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलने और रसूखदारों द्वारा लाभ लेने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब मांगा है। एडवोकेट खुशहाल सिंह ने कोर्ट को बताया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लागू हुए 7 साल हो गए, लेकिन आमजन की शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। साथ ही अभी तक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई। मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर ये PIL पिटीशन फाइल हुई है। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 के अंदर पास हुआ था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि एक इंटरनल ग्रेवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म अपॉइंट हो हर स्टेट के अंदर, साथ में सोशल पीरियोडिक ऑडिट्स हों और एक स्टेट फूड कमीशन हर स्टेट के अंदर कंस्टिट्यूट करें, जिससे कि फूड वितरण को लेकर जो भी समस्याएँ आ रही हैं उसका समाधान हो सके। हर जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रेवेंस रेड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करने के आदेश हैं। ये इस उद्देश्य से फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू किया गया था। उसकी पालना अभी तक जिस तरीके से करनी थी अभी तक नहीं हुई है। उसके प्रोविजंस हैं सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 28, सेक्शन 29। सेक्शन 15 है जो कि साफ बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ग्रेवेंस रेड्रेसल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होने चाहिए।